ओके गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ASP32 को कैसे हम ब्लिंक के साथ में यूज करके एकदम तरह तरह के जबरदस्त लेवल का हम IoT प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज है कसम से, एकदम मजा आ जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा का पूरा IoT का कोर्स चल रहा है, जहां पे ऑलरेडी मैंने 8 लेक्चर अपलोड कर दिया है। ये 9वां लेक्चर हमारा होने वाला है, जहां पे हम ESP32 को ब्लिंक के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीच में वीडियो मैं कुछ दिन अपलोड नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के। हाँ, अर्जेंट थे तो मैं उस पर काम करने लग गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट कोई बात नहीं, मैं वापस लौट आया हूँ, ठीक है। और आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझते होगे, ठीक है। बहुत ही शानदार, और 20,000 सब्सक्राइबर भी हमारे पूरे हो गए, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद, जिस तरीके से आपने अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाया। एग्जैक्टली, मानना पड़ेगा यार। चलो, ये आपका ही चैनल है, ठीक है। लोगों को शेयर करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ो। आप ज़रूर चाहोगे कि आप जिस चैनल से सीखते हो वो चैनल काफ़ी बड़ा हो। राइट, हमारा चैनल बड़ा बने। ये मेरा चैनल नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हम सबका चैनल है। एग्जैक्टली, चलो तो यहाँ पे साथ में मिलकर के चीज़ें हम सीखते हैं। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि कैसे हम ESP32 को ब्लिंक के साथ में यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले ये जान लेते हैं ना यार कि ब्लिंक चीज़ क्या है। मैं हमेशा बेसिक से जाता हूँ हर चीज़ को, और यहाँ पे भी पहले जान लेंगे कि ब्लिंक चीज़ क्या है, कैसे काम करता है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक मान लो कि फ़ोन है, ओके। इसमें एक ऐप होगा, हाँ मैंने कहा इसके अंदर एक ऐप होगा, ओके, ऐसे समझो। देन हमारे पास एक और फ़ोन होगा, सपोज मान लो कहीं और दूसरे जगह पे, ओके, हाँ जी बिल्कुल। फिर हमारे पास एक डेस्कटॉप भी मान लो हो सकता है, ऐसे लैपटॉप भी हो सकता है, अब जो भी बोलो, ठीक है। ऐसे हमारे पास टैब भी हो सकता है, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनोगे मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर भी एक एप्लीकेशन, इसके अंदर भी एक एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप के अंदर भी एक वेब एप्लीकेशन है, मतलब ब्राउज़र में, ओके। टैबलेट से भी मैंने एक वेब एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, मतलब वेबसाइट की तरह चीज़ होगा, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। वेल, अभी सीन क्या है ना, ध्यान से सुनोगे, मैंने कहा अभी सीन क्या है ना कि मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। हाँ, प्रोजेक्ट कैसा है सुनोगे। इस प्रोजेक्ट में मेरा एक बोर्ड है ESP32, इससे कनेक्टेड है बहुत सारे रिले। चलो मैं मान के चलता हूँ कि 4 चैनल रिले, ओके, हाँ जी बिल्कुल। आप बढ़िया से सुनोगे, अगर ये ESP32 इस रिले को कंट्रोल कर पा रहा है, दैट मींस कि इस रिले से, ये रिले एक्चुअली में क्या होता है, स्विच की तरह काम करता है, वैसे समझ लो, ठीक है। तो अगर इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आपको पता है कि इस रिले से हम जो भी चीज़ लगाए होंगे, लाइक सपोज मान लो कि मेन सप्लाई है, एक वायर डायरेक्ट गया बल्ब में और एक वायर जो है इस रिले से होते हुए गया ऐसे। बातें समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ, उसी तरीके से फैन भी होगा, उसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें हो रहे होंगे। एग्जैक्टली, तो यार मैंने कहा कि हमें इस रिले को कंट्रोल करना है कैसे भी करके, ठीक है, और किससे करवाना है, तो ये ESP32 से। अब ESP32 कैसे कंट्रोल करेगा, मतलब कब इसको ये ऑन ऑफ कर रहा होगा, तो हमारे इंस्ट्रक्शन से। हम इंस्ट्रक्शन कहाँ से दे रहे होंगे, हम चाह रहे हैं कि फ़ोन से इंस्ट्रक्शन दे, राइट, ये फ़ोन से हम कंट्रोल करें, या फिर ये डेस्कटॉप से, या फिर ये लैपटॉप या टैबलेट से, जो भी है। तो कैसे हम इस तक डायरेक्ट मतलब कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो बेसिकली सीन क्या होता है ना कि यहाँ पे हमारे पास बीच में आता है एक क्लाउड, ऐसे समझ लो, या सर्वर, ठीक है। तो ये मान लो ये ब्लिंक है, ये क्या है, ब्लिंक का सर्वर है। तो सीन क्या है, ध्यान से सुनोगे, ब्लिंक में एक्चुअली में हम कुछ ऐसा अभी तामझाम करते हैं, हम अभी सीखेंगे सारी चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मान लो कुछ वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होते हैं, ओके। इन वैल्यूज़ को हम ये सारे फ़ोन और जो भी है, डेस्कटॉप या टैबलेट जो भी, इन सारे डिवाइसेस से हम क्या करते हैं, इस ब्लिंक सर्वर में, जो ब्लिंक का सर्वर है बेसिकली, एक एप्लीकेशन के थ्रू, वही ब्लिंक का एप्लीकेशन होगा, उससे हम कनेक्ट होते हैं। आप ऐसे समझ लो कि ब्लिंक का जब एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो उसमें एक टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट क्या होगा मैं बताऊंगा एक्चुअली में, लाइक समझ लो कि अपना एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो आप, ओके। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारी चीज़ें जब आप ऑन करते हो, हम क्रिएट करने पड़ते हैं हमें, हाँ डेफिनेटली हमें क्रिएट करना पड़ता है। देन ये सारे के सारे चीज़ आप ऐसे समझ लो कि कनेक्ट हो जाते हैं ब्लिंक सर्वर से, ये सारे डिवाइसेस, ठीक है। एग्जैक्टली, ऐसे मान के चलो आप कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लिंक का सर्वर से कनेक्ट होता है पहले। देन जैसे मान लो यहाँ पे भी सेम, मतलब जो UI होगा ना, सब में सेम होगा, जैसे दो बटन यहाँ पे है, मान लो दो बटन यहाँ पे भी होंगे,
दो बटन यहां पे भी दिख रहे होंगे और दो बटन यहां पे भी दिख रहे होंगे, क्लियर बात है। और मान लो ये दो वैल्यू हैं, उन दो बटन से कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे एक बटन से आपने अगर कुछ ऑन किया ना, तो मतलब लाइक एक बटन से कुछ आपने वैल्यू अपडेट करा तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, तो ये वैल्यू चेंज जो है ना वो इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, और ये चीज़ इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, सेम चीज़ से कनेक्ट है, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी चेंजेस दिख जाएंगे इस डिवाइस में भी। मतलब एक जगह पे अगर आपने बटन को ऑन करा है ऐसे कुछ भी, तो सारे जगह पे ऑन दिख रहे होंगे। और साथ साथ में ये जो चीज़ है हमारा ब्लिंक का, जो हमारा सर्वर है, ये हमारा कनेक्ट होता है ESP32 से। बात समझ गया? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे ही हम इन डिवाइस में से किसी से भी कोई भी चीज़ अगर हम चेंज करेंगे, मतलब इस वैल्यू को अगर चेंज करते हैं, तो सब में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनोगे, सब में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इन सब में रिफ्लेक्ट तो होगा ही, साथ साथ में इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा चीज़ें, बस मारे के यहाँ पे भी। और इसमें हम एक ऐसा कोड लिख रहेंगे कि अगर ये वैल्यू ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ अगर ये वैल्यू चेंज होकर के ऐसा हो रहा है, तो इस केस में इसको या इसको ऐसे कर दो, मतलब इस रिले को ऑन कर दो या ऑफ कर दो। बस मारा गया, इट इज जस्ट लाइक मान लो कि हमारे पास अभी यहाँ पे दो बटन है, एक ऑन और ऑफ, तो अगर हमने ऑन प्रेस करा तो सब में क्या हो जाएगा ना, ऑन हो जाएगा, सब में जितने भी बटन होंगे ना सब में ऑन दिख रहा होगा बटन। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे कि अगर वो बटन, ये वैल्यू जो है, अगर ऑन का वैल्यू से पूछ मान लो 1, तो अगर ये वैल्यू अगर 1 है तो इस केस में क्या करो, इस रिले को एक्टिवेट कर दो। मैटर समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ना कोई एक वैल्यू होगा जो 1 या 0 हो रहा होगा, ठीक है, 1 0 कब हो रहा होगा, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन होगा जिसको ऑन करने से ये 1 हो जाएगा, ऑफ करने से ऑफ 0 हो जाएगा, सब में ऐसा ही है, ऑन करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ से ऑन कर दिया तो ये वैल्यू 1 हो गया, अब सब में 1 दिख रहा होगा, मतलब सब में बटन ऑन दिख रहा होगा, बस हमारा क्या। अब मान लो इससे आपने बटन ऑफ कर दिया, हाँ जी बिल्कुल, इससे आपने बटन ऑफ कर दिया, तो फिर ये वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा, वो सब में रिफ्लेक्ट कर जाएगा 0, इवन यहाँ भी 0 रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि अगर 1 है यहाँ पे सर्वर में वैल्यू, तो ये करो क्लाउड में जो भी बोल रहे हो आप, तो अगर वहाँ पे 1 है वैल्यू तो ये करो, 0 है तो ये करो। बातें समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। और इसके वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं अलग अलग डिवाइस से। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये पिक्चर काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको थियोरेटिकली समझ में आ गया होगा। चलो इस चीज़ को सेटअप करते हैं और एक छोटा सा चीज़ हम करके देखते हैं, ओके। देन हम अभी बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग मतलब अच्छे अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट हम कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है वेब ब्राउज़र में और जाकर के सर्च मारने हैं ब्लिंक, ओके। मैंने कहा जाकर के सर्च मारने हैं ब्लिंक, और जैसे आप सर्च मारोगे इसका ऑफिशियल साइट में चले जाओगे। इसका ऑफिशियल साइट में जाने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पे जाने हैं लॉगिन में, ओके। आप लॉगिन पे चले गए, लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको ईमेल देना है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना ईमेल अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर लो टेम्प मेल, ओके। बिल्कुल आप टेम्प्रेरी मेल यूज़ कर सकते हो। ये कुछ कह रहा है, अभी मैं ऐसे सर्च मारा, ठीक है, और मैं ये कॉपी करूँगा और मैं अकाउंट बना लूँगा इस मेल से, ठीक है। तो अभी अभी ये लोड हो रहा है, होने दो, ओके फाइन, मैंने यहाँ से कॉपी करा, आप देखोगे, ठीक है, एग्जैक्टली। और मैं अपना ईमेल को यूज़ किए बिना भी मैं ब्लिंक में अकाउंट बना लूँगा, देखो, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे करा साइन अप, एग्जैक्टली वो रियल मेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो एक नया चीज़ आपने यहाँ पे सीखा अगर आप नहीं जान रहे हो तो, और ऐसी चीज़ें सीखते रहना है अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो मारो यार, फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप, ओके फाइन। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब देखोगे यहाँ पे एक मेल आया हुआ है अभी, है ना, आप देखो इसमें मैं गया और यहाँ पे जा करके नीचे जाने हैं और क्रिएट पासवर्ड करना है, ठीक है, आप देखोगे। तो मैंने क्लिक मारा ऐसे, अब बढ़िया से देखो एक पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाने, तो मैं बना दे रहा हूँ एक पासवर्ड, आप कोई सा भी ऐसे बना लेना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 ये होना चाहिए, इस सबसे पढ़ लेना, ऐसा पासवर्ड आपने बहुत बना रखा है तो बना लोगे, ठीक है। बेसिकली नंबर यूज़ करना छोटा अक्षर, जिसको आप लोअर केस बोलते हो, कैपिटल लेटर, अपर केस, कोई स्पेशल कैरेक्टर, @ यूज़ करके आप बना लेना, ओके। मैं नेक्स्ट पे क्लिक मारता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम वाम पूछा जा रहा है, तो यार मैं नाम कुछ भी डाल देता हूँ, लाइक ABC, ओ माय गॉड ऐसा कोई नाम, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओगे, ओके। यहाँ पे आप इसको चाहो तो स्किप कर देना, मैंने कहा कि आप चाहो तो इसको स्किप कर देना, मैंने स्किप कर दिया, ओके, ठीक है, आप देख सकते हो क्विक स्टार्ट करके एक ऑप्शन मिल रहा होगा, हाँ मैंने कहा कि क्विक स्टार्ट करके ऑप्शन मिल रहा होगा, आप यहाँ पे इसको इस पे जाना अभी, ठीक है। हम लोग हालांकि बाद में एकदम स्क्रैच से एकदम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, बट अभी आप इसको यहीं से जाओ,
ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि चूज़ हार्डवेयर, तो यहाँ पे आप जाकर के SP32 चूज़ करोगे, देन इसको वाईफाई रहने दोगे, ठीक है। मैं आपको जो कर बोल रहा हूँ उसको करते जाना, देन नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे आईडीनो ही रहने देना, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ओके। हम यही आईडी यूज़ करने वाले हैं, देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वापस से। और यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है इस स्टेप में कि आप अपना एडिनो का आईडी ओपन करो, तो मैं एडिनो का आईडी ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा एडिनो का आईडी। यहाँ पे जाना है आपको टूल पे, और टूल पे जाने के बाद आपको मैनेज लाइब्रेरीज पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ब्लिंक का लाइब्रेरी जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप सर्च मारोगे, ये देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अपडेट का ऑप्शन दे रहा है ब्लिंक बाई, ये लिखा हुआ है, देख लो। पता नहीं भाई, बड़ी खतरनाक नाम होता है लोग का, ठीक है। तो ये आप जा करके इंस्टॉल मार लेना, ओके। जैसे इंस्टॉल मार लोगे, मेरे केस में इंस्टॉल है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके फाइन। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे और फिर इसको नेक्स्ट मारना, ओके। जैसे नेक्स्ट मारोगे आप इस जगह पे आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि बना बनाया एक रेडीमेड कोड आता है आपके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी वीडियोज़ में हम लोग एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ करेंगे, सारा कोड हम लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है। अभी सारी चीज़ बस टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा चीज़ एकदम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वेल, तो यहाँ पे यार क्या करना है ना आपको, वाईफाई का यहाँ पे अगर देखोगे तो ये खाली है, SSID और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे लिखोगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपना नाम देता हूँ वाईफाई का, मैंने सत्या दिया, और मेरा पासवर्ड जो है 1234, सत्या 1234 ऐसे मैंने दे दिया। यहाँ पे देखो टाइप हो गया, मैं नेक्स्ट पे क्लिक मारूंगा। हाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक मारूंगा, एक मिनट, ठीक है। आप बढ़िया से देखो, पहले सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बैक जाता हूँ, ओके ऐसे, और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपना एडिनो का IDE ओपन करूंगा। हाँ जी बिल्कुल, तो एडिनो का IDE ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट मार देना है पूरा का पूरा कोड। एग्जैक्टली, यहाँ में से बहुत सारी चीज़ें आप हटा भी सकते हो, मैं हटाऊंगा बाद में, अभी रहने देता हूँ फिलहाल, ठीक है। इस पर कोई भी चीज़ नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक एक लाइन हम लोग स्क्रैच से लिखेंगे, एकदम फ्रेश लिखेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद ही कोडिंग सिखाना है। एग्जैक्टली, मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल टेस्ट करेंगे सब कुछ चीज़ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, मतलब ब्लिंक को टेस्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है, ओके फाइन। यहाँ पे बस कोड में एक चीज़ आप चेंज करोगे, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल, अब दिमाग मत लगाना ज़्यादा, हाँ बस मैं कह रहा हूँ उसको करो आप। यहाँ पे आप लिखोगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ओके, और यहाँ पे आप वैल्यू लिख देना, ये देख लेना जहाँ पे लिखा होगा ब्लिंक राइट ऐसे करके V0, ओके फाइन, और सेमी कोलन। एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप करना, कैमल कैस में लिखा हुआ है, नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये लैंग्वेज है वो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज में अपर केस लोअर केस अलग होता है, तो अगर आप कैपिटल एस की जगह पे स्मॉल एस लिख दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, ओके okay? इस बात का ध्यान रहे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, हाँ मैं इसको सेव करूंगा, मैंने सेव मार दिया, ठीक है। और जैसे मैंने सेव मारा, ये एक बार ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होता है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके फाइन। देन सेव जैसे आपने कर दिया ना, तो उसके बाद में करना ये है कि यहाँ पे जाकर के आपको पता है कि मैंने एक वीडियो में आपको सिखा रखा है कि कैसे हम ASP32 का बोर्ड यहाँ पे एड करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो जाकर के नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देख लो, मतलब इतना भी क्या सोच रहे हो, ठीक है। इसमें मैंने बता रखा है सारे का सारी चीज़, तो आप जाना और यहाँ पे सारे वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विथ ASP32, आप जाना इसमें और देखना, ठीक है। एग्जैक्टली, तो मैं अभी फिलहाल इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको टूल पे जाना है और बोर्ड में जा करके आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया अपना, ओके फाइन। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे, बोर्ड लगा भी तो लो, ठीक है। मैंने बोर्ड लगाया नहीं है, मैं अब लगाने जा रहा हूँ, देखो। तो मैंने इस तरीके से, ओ भाई लगा दिया, ठीक आप देख रहे हो, लगा दिया। अब मैं लगा के इसको साइड में रख दे रहा हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके फाइन। और इसको मैं अब अपलोड मारूंगा, पहले कंपाइल भी मार सकते हो, ओके, लेकिन अपलोड करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल वाले ले लेता है। तो देखो यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच लिख रहा है, मैंने अपलोड पे क्लिक मारा, तो सबसे पहले कंपाइल ले रहा है, मतलब ट्रांसलेट हो जाएगा उस भाषा में जो भाषा ये समझ पाता है, ठीक है। ये भाषा ये नहीं समझता है, आपको पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि ये बाई डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ है, तो बस आपको चेक करना है कि चीज़ें सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये होने दो, अभी ये अपलोड होगा तो अपलोड भी होने दो, ओके। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता ही है, तो लेने दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। हाँ चलो, मैं कह रहा हूँ ना कि आगे यार बहुत ही शानदार शानदार प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, इसको यूज़ करके मैं कोडिंग सिखाऊंगा। मज़े की बात ये है, आपको प्रोग्रामिंग आपको मैं सिखा रहा हूँ लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से। चलो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार मैं वीडियो रोक नहीं रहा, ठीक है, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो ये आपका चैनल है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो,
उनको बताओ कि हाँ ऐसी चीज़ें सिखाए जा रहे हैं। आप खुद बोलते हो ना कि ये समझ में आते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर मुझे लगता है कि मेरा वीडियो जो है उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है एग्जैक्टली जैसे मुझे लगता है। तो फिर पहुँचाओ, ये आपका काम है। मैं पेड प्रमोशन वगैरह नहीं करवाता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंटेंट में दम है तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे, है ना, और चीज़ों को देखेंगे। एक सब्सक्राइब आने में पैसा तो जाता नहीं है, है ना, मार दो। बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार वीडियो बनाने अभी। ओके फाइन, चलो। तो अभी ये ना अपलोड हो गया है ना, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की चीज़ें आ रहे हैं। वेल, अब करना ये है कि आपको टूल पे जाना है, ध्यान से सुनते जाओगे अच्छे तरीके से। अच्छा, 1 मिनट। जैसे आपने अपलोड करा ना, तो आपने नोटिस तो नहीं करा होगा क्योंकि हम उधर चले गए थे, बट यहाँ पे ना एक ऐसे ऊपर से देखो फूल पत्ती गिर रहा होगा, मतलब तो सुना रहा है जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप का, ऐसे कुछ सेलिब्रेशन टाइप का ऐसे, राइट। एग्जैक्टली। सो योर डिवाइस इज़ ऑनलाइन, डिवाइस ऑनलाइन हो गया है, मतलब ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। कैसे पता लगा? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सीधा गो टू डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ओके, ऐसे जैसे आप इस पर क्लिक मारोगे, ये बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट मतलब एक डिज़ाइन ऐसे बन करके आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो बटन कंट्रोल, स्विच वैल्यू, और ये कुछ ऐसे एक टाइमर चल रहा है, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि आप उस पर दिमाग मत लगाओ, ये हम लोग सब कुछ एकदम स्क्रैच एकदम अपना बनाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अभी ना एक और काम करो, यहाँ पे आप जाओ इस पे, और टूल पे जाकर के सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेना है। सीरियल मॉनिटर ऑन करने है, और यहाँ पे आप ये बॉड रेट जरूर सेट कर लोगे, ठीक है। मैंने कहा ये बॉड रेट आप जरूर सेट कर लेना। ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो बॉड रेट है वो 11.52, हाँ ये सही है, कोई इशू नहीं है इस पे, ठीक है। तो अभी मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं कुछ करता हूँ, जैसे मैंने ये ऑन करा, ठीक। और अब यहाँ पे आप देखोगे, ज़रा इस पे आओ सीरियल मॉनिटर पे, और ये देखो यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, इससे पहले भी लेकिन कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर इसको आप ओपन करके रखते हैं ना, इसको जब ओपन करके रखते, मैं एक काम करता हूँ, वेट, मैं इसको खोल के ना दोबारा से लगाता हूँ, ठीक है। मैंने ये खोला और ये मैंने वापस से लगाया, ठीक। हाँ तो यहाँ पे देखोगे ये वाला चीज़ जो अभी आ रहा है ना, रेडी ऐसे करके, इससे पहले कनेक्टेड टू ये भी आता है आपके केस में, देखना वो लिख रहा होगा, ठीक है, कनेक्टेड टू वाईफाई ऐसे करके पूरा का पूरा ब्लिंक का एक आएगा। नहीं आ रहे हैं, आएंगे, छोड़ो हटाओ दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, ठीक है, आते हैं लेकिन वो मैं बता रहा हूँ, घबराना मत। हाँ ऐसा कुछ आ रहा होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपको सडनली एकदम नया सा कुछ दिखता है ना, तो आप एकदम धकचका जाते हो कि सर का ऐसा दिखा, मेरा ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, बस आ गया। एग्जैक्टली। तो अब ये ऐसा है, ये बात ध्यान रखना। ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं ऐसे ऑफ कर दूंगा, तो आप देखना यहाँ पे ना 0 आ रहा होगा, ये देख रहे हो आप, 0। हाँ तो ये क्या हो रहा है पता है, जैसे मैंने अभी कहा था ना कि ये एक हमारे पास एक डेस्कटॉप ऐप होगा, तो ये रहा डेस्कटॉप ऐप जहाँ से हम वैल्यू कुछ अपडेट कर रहे हैं, ये जा रहा है क्लाउड में, ये कहाँ जा रहा है, क्लाउड में। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे 1 करा ना, तो क्लाउड में वैल्यू 1 हो गया होगा, कोई एक वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू 1 हो गया होगा वहाँ पे, और वहाँ से फिर फैच होकर के आ रहा है हमारा यहाँ पे, और वैल्यू जब हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, आप देख पा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको और दिखा सकता हूँ, हालांकि मैं फ़ोन में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फ़ोन में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वीडियो बंद करता हूँ और मैं फ़ोन में आपको दिखाता हूँ सेम चीज़। ओके फाइन। ओके, तो मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट डिवाइस करके एक चीज़ मिल रहा होगा ऐसे, आपको इस पर क्लिक करना है, और ये रहा आप देख सकते हो, ये जो चीज़ चल रहा है वो डेस्कटॉप में भी और फ़ोन में भी दोनों में सेम चल रहा है, आप देख लो वैल्यू एग्जैक्टली, आप देख पा रहे हो एक काउंट्रिक चल रहा होगा। अब मैं यहाँ से देखोगे, मैं ऑफ करता हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली मैंने देखो फ़ोन से ना ऑफ करा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो ये अपडेट हो गया। अब मैं डेस्कटॉप से यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये देखो फ़ोन में ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है, देख रहा है आपको एग्जैक्टली। और मज़े की बात यह है कि जितना भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, ये सब यहाँ पे भी हो रहा होगा, देखो यहाँ पे, जैसे अभी मैंने 1 है, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखो 0, और यहाँ पे भी देखोगे, हाँ ये जो हमारा बोर्ड में जो वैल्यू है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे 0 मिल रहा है, और हमारा जो फ़ोन में है वो भी ऑफ है, और साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी ऑफ है। तो एग्जैक्टली तीनों जगह पे साथ साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये बातें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, कि यार चीज़ें चल क्या रहा है। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को आपको समझना है डेप्थ में, आप देखो यहाँ पे, ये देखो है ना, तीनों एक साथ काम कर रहा है एग्जैक्टली। तो यार अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट होम ऑटोमेशन का ESP32 के साथ में पूरा का पूरा कोडिंग आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके एक नया टेम्पलेट में लौटाएंगे,
अलग अलग बटन बना रहे होंगे, अलग अलग फंक्शनलिटी होगा, तो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगा।